हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित 100 मुख्य प्रश्न जो सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है सी, अमोनिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलता पूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मिलिकन। तीसरा है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसमें सही है सी, न्यूट्रिनो। चौथा क्वेश्चन है, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो डी ऑप्शन सही है, 2882। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो डी ऑप्शन है, फोटोन। अगला है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो सी ऑप्शन है, हेनरी बेकेरल। आठवां है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बी ऑप्शन सही है, 4। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बी ऑप्शन, बीटा किरण में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो डी ऑप्शन है, जर्कोनियम। अगला है, यूरेनियम विखंड की प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? सी ऑप्शन है, इसमें न्यूट्रॉन। अगला 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो सी ऑप्शन है, भारी जल। 13वां, निम्नलिखित रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो डी ऑप्शन सही है, रेडियो रोडियम। अगला है, किस तत्व के सम स्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो बी ऑप्शन, न्यूट्रॉन। अगला है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? बी ऑप्शन, बीटा किरण। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीजन अवस्था समान होती है? तो बी ऑप्शन, क्लोरीन। 17 है, किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है? तो सी ऑप्शन है, 7.35 से 7.45 तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो बी ऑप्शन, BF3। अगला है, 19 ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान है? तो बी ऑप्शन, अणु की। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सी ऑप्शन, हाइड्रोजन। अगला है, निम्नलिखित में से किस शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो डी ऑप्शन, नियोन। 22वां है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन है, सोडियम। अगला है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो डी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। अगला है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो बी ऑप्शन, Mg। अगला है, 25वां, एल्यूमिनियम किसमें घुल हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन, क्रायोलाइट। 26 है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ए ऑप्शन, बुझे चूने पर से क्लोरीन को। अगला है, 27, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो डी ऑप्शन, हेमेटाइट। अगला है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो बी ऑप्शन, क्रोमियम। अगला है, एस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो ए ऑप्शन है, अनिलन। अगला है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन, यस दीकरण। अगला है, कृतंक नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन, जिंक फॉस्फाइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सोना।
बंगला निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किससे आ मल गम कहते हैं? तो सी ऑप्शन पारा जस्ता। बंगला है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो सी ऑप्शन शीशा। बंगला है संचायक बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन शीशा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो बी ऑप्शन टंगस्टन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो बी ऑप्शन जर्मेनियम। अगला है मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सी ऑप्शन है इसमें थोरियम। अगला 39वां है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो बी ऑप्शन पोटेशियम पोटेशियम। अगला है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड एस्क है? तो डी ऑप्शन एल्यूमिनियम। अगला है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो नाइकोम। डी ऑप्शन सही है। अगला है 42वां जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो सी ऑप्शन सिल्वर। 43 है किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन नाइक्रोम। अगला है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के। 45 है मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन सुहागा। अगला है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या है बनता है? तो डी ऑप्शन सीसा। अगला है फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो ये ऑप्शन है रजत बोमाइट माइट। अगला है जल एक अच्छा विलायक है यह किसके उच्च होने का कारण है? तो ये ऑप्शन है जल का पराविद्युत स्थिरांक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो सी ऑप्शन है लवण जल। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन ग्रेफाइट। अगला है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो डी ऑप्शन एंथेसाइट। अगला है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो बी ऑप्शन सही है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो इसमें है ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। 54वां क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका। अगला 55वां है प्रकाश सारणी धूम कोहरे बनने के लिए समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो बी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है घरेलू पिसितक में सामान्यतः कौन सा पिसितक प्रयोग होता प्रयोग में लाते हैं? तो अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो सी ऑप्शन है ऑक्सीजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरो गेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ये ऑप्शन ऑक्सीजन। अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन। अगला है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो बी ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है रासायनिक उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो सी ऑप्शन है H2SO4। अगला है समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो बी ऑप्शन है आयोडीन। अगला है गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन है हीलियम। अगला है निम्नलिखित में से किस एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो सी ऑप्शन है जीनोन को। अगला है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो सी ऑप्शन सही है हाइड्रोजनीकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो ए ऑप्शन हाइड्रोजन। अगला है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हीलियम। अगला है 69 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? तो डी ऑप्शन कांच। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी मतलब मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड बाकी ठीक। अगला 71वां प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ये ऑप्शन सही है ऑक्सीजन। 72 यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन।
पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, ट्राई मेथिल सीसा। अगला है 74, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो डी ऑप्शन है, पेट्रोलियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो इसमें ब्यूटेन। 76, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो सी ऑप्शन है, मास्टर गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान किसी तक घरेलू प्रशिक्षित में के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑक्सीजन। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन ये है। अगला है, 80, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सी ऑप्शन है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। सी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जाता है? तो ये ऑप्शन है, ऑक्सी ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑप्शन सही है। अगला है, लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सी ऑप्शन है, क्लोरो बेंजीन। अगला 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो सी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट। अगला है, 84 है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, पॉली एथिलीन। 85 है, रियोन के निर्माण में कौन सा मुख्य तक कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन है, सेलुलोज। अगला है, एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है? तो हाई हॉफमैन। सी ऑप्शन सही। अगला 87 है, रदरफोर्ड के पिकेडन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो डी ऑप्शन है, परमाणु में न्यूक्लियस। 88 है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन है, फोटोन। 89 है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो बी ऑप्शन, विखंडन अभिक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन, फैराडे का नियम। अगला है, प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मुचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये ऑप्शन, हाइड्रोजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो बी ऑप्शन, क्लोरीन। अगला 93, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो सी ऑप्शन, बेसिक एसिडिक। अगला 94, निम्नलिखित में से कौन किसी भाट्याभट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो डी ऑप्शन है, कैल्शियम सिलिकेट। डी ऑप्शन सही है। 95, पृथ्वी में के गर्म में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये ऑप्शन, लोहे। अगला है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? अच्छा चालक है। तो सी ऑप्शन है, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सी ऑप्शन, सोना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो बी ऑप्शन, टंगस्टन। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? लवण। तो इसमें सी ऑप्शन, SR भाग BA। अगला है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ये ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड। चलिए, हमने इसमें रसायन के संबंधित केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन देख लिए। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं।